हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दशरथ शर्मा है। आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज स्पेशली कुनकुरी में है टूर्नामेंट का ओपनिंग, वो भी फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का ओपनिंग है और वो है शायद मुझे लगता है बस्तर वर्सेस कोलकाता, ऐसे कुछ देखा था मैं टेम्पलेट में। तो फिलहाल मैं आज आपको उसी को दिखाने वाला हूँ कि ये खेल प्रतियोगिता कुनकुरी का खेल मैदान में होगा और कौन कौन अतिथि आएंगे, ये सारे चीज से बनाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे में आप लोग बढ़ रहे और देखते रहिए। मैं दोस्तों अभी अपने रूम में हूँ और मेरे रूम को देखिए कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं नीचे भी नहीं दिखाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ क्योंकि अपना रूम थोड़ा बिखरा हुआ है और मैं ऐसे ही स्थिति में रहता हूँ। तो फिलहाल चलता हूँ खेल मैदान और खेल मैदान में दिखाता हूँ सारे गेस्ट लोग को भी और कितना भीड़ होगा आज, क्योंकि आज ओपनिंग है। तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है और कितना सपोर्ट करते हैं टीम को और खेल भावनाएं कितने दर्शकों को अट्रैक्शन करता है, वो सारी चीज को देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरे मामले देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ खेल मैदान और खेल मैदान के पास आया हूँ। जैसे ही वैसे ही एक पीएफ मिला तो उनसे पूछता हूँ कि आज का जो खेल प्रतियोगिता होगा वो कौन कौन सी टीम का होगा, वो चीज बताएंगे भैया। भैया आज कौन कौन सी टीम का होगा, परिचय थोड़ा दे दी। आज परिचय दे दीजिए। परिचय मैं दीपक रेटा, नगर पंचायत वाकमाया के पार्षद। आज का मैच होगा संघर्ष क्लब सुंदरगढ़ उड़ीसा और MDC बस्तर छत्तीसगढ़। अच्छा, उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ होने वाला है। हाँ भैया, थैंक यू। फिलहाल दोस्तों मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे, वहाँ स्टेज है वहाँ पे, और वहाँ बस थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा क्योंकि मुझे अच्छे से अनुभव नहीं था कि क्या कहाँ का मैच होगा और क्या होगा। और स्पेशली मुझे पता चला कि उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ होगा, ऐसे करके कुछ पता चल रहा है। फिलहाल मैं वही भी आता हूँ और आप लोग को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा साइड में अपना गाड़ी खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि बाद में भीड़ भड़का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मेरे को यही पहुँचाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा साइड में खड़ा करूँगा ताकि भीड़ भड़का होगा उस टाइम मैं अगर कहीं जाना चाहूँगा तो फिर वहाँ जा सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इधर गाड़ी खड़ा जाऊँ और अभी जा रहा हूँ स्टेडियम का जो मंच बनाया है ना वहाँ पर जा रहा हूँ। और ये देखिए बहुत ही मस्त भीड़ भड़ाका हो रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि स्टार्ट हो गया है। जैसे ही जो सिलसिला है भीड़ भड़ाका का वो तो मुझे लगता है मस्त बन रहा है। फिलहाल मैं आपको ले कर चलता हूँ स्टेडियम के मंच में जहाँ पर से माइक संचलन होगा और सारा कुछ होगा। और ये मुझे लगता है शिवम भैया स्पेशल मिल चुके हैं, हाय हेलो करवाता हूँ शिवम भैया से। हाय बोल दीजिए भैया, कैसे लग रहा है भैया? बहुत मजा आएगा ना माहौल। आज मैच किसका किसका होगा भैया, मैच किसका होगा? आज मैच उड़ीसा जो झारखंड सुंदरगढ़ से जो टीम है उसकी और MCVT बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ वर्सेस उड़ीसा पहला जो अपनी टूर्नामेंट है। बहुत बढ़िया भैया, और मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है। बेहतरीन, देखो तैयारी वगैरह सब तो पूरा हो गया, अभी खुशी मुझे लगता है मजा आ रहा है। और अभी जैसे ही होगा थोड़ा सा स्टेज के ऊपर मैं चढ़ता हूँ और आप यहीं से चढ़ना पड़ेगा। सुंदरगढ़ की टीम है, तो ध्यान दीजिएगा समय का, विशेष ध्यान रखिए आप। मैं भी दोस्तों दोनों टीम से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ऊपर चढ़ चुका हूँ और यहाँ से अपना उपस्थिति दर्ज कराए स्टेज के समक्ष। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से अगर हम मैदान की ओर देखें तो, और मुझे लग रहा है खूबसूरत। और दिखाऊंगा आप लोग को जैसे भी होगा, जैसे भी जो भी होगा वो सारा चीज़ को दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। हमारे आपसे जो रेडी मैनर है उनसे भी मेरा अनुरोध। फिलहाल दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ क्योंकि खेल मैदान में आया हूँ और हम लोग लोकल खेल मैदान है और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत लोग जान परिचय मिलने वाले हैं। तो फिलहाल पता भी ऐसा मिलाता हूँ और इधर की इधर है महाराज अरुण शर्मा। फिलहाल
तो मैं इस मैदान में अभी जो टूर्नामेंट होगा ना उस चीज को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए क्योंकि मैं आपको ड्रोन शूट भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर से हम देखना चाहेंगे तो कैसे खूबसूरती है वो सारी चीज़ को देखेंगे। और आप लोग भी मिलिए थोड़ा सा, नाम बच्चे दे थोड़ा सा। उस्ताद शर्मा, आज मैच होगा, कैसे लग रहा होता है आपको? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू भैया, थोड़ा सा परिचय दीजिए। वकास अली, आज का मैच किसका किसका मैच है कुछ पता है? नहीं भाई अभी तक जानकारी चले की बात नहीं, दोस्तों मैच को देखते हैं इंजॉय करते हैं। तो फिलहाल बने रिपोर्ट में, फिलहाल दोस्तों देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर से ट्रॉफी रखा हुआ और ये ट्रॉफी है फाइनल का, फाइनल का ट्रॉफी मिलेगा टूर्नामेंट का जब फाइनल जीतेगा बस कुछ ही देर में, और आगाज होने वाला है। पहले दोस्तों मैं यहाँ यहाँ पर मेडिकल और यहाँ पर है संदीप भैया, तो संदीप भैया थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए मैनेजमेंट आज कैसे रहेगा ये खेल प्रतियोगिता में। सबसे पहले तो दशरथ भाई आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू भैया। और आप लोग आप काम कर रहे हैं हर जगह आप कवर कर रहे हैं, ये मेडिकल स्टाफ है जी विभाग कुलपुरी, और ये हमारे टूर्नामेंट के पूरा टूर्नामेंट संपन्न कराने में इनकी अहम भूमिका होगी। ये रेफरी पैनल में से हैं, और ये रेफरी पैनल के जस्ट बगल में एक टीम जो यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पे ये कुर्सी लगी हुई है तो यहाँ पर एक टीम बैठेगी। और आप देख सकते हैं हमारे माननीय विधायक कुलपुरी श्री यूडीमिन जी के उनके निधि से ये एक एम्बुलेंस प्राप्त हुआ इस टूर्नामेंट के लिए, हालांकि सेवा पहले से मिल रही है। और उसके बाद एक टीम जो है उस साइड बैठेगी, तो अभी टीम आने एक टीम उधर और एक टीम इधर, और बाकी और यहाँ का मैनेजमेंट कैसे रहेगा ये थोड़ा सा बता दीजिए ना। यहाँ का मैनेजमेंट सारा व्यवस्था जो है समिति बना दी गई है, और हमारे जो अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश उनके मार्गदर्शन में ये नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट जो इंटर स्टेट टूर्नामेंट हम कहेंगे 16 टीम यहाँ इस टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और इसमें इस टूर्नामेंट में कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी भी यहाँ पर इस मैदान में खेलने के लिए आएंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा टूर्नामेंट में रस जो है इंटरेस्ट जो है मनोरंजन जो है और बढ़ते जाएगा। थैंक यू भैया। और फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है अभी कितना समय से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर? अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, पौने तीन बजे से यहाँ पर लगभग 3:30 तक मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को सारा कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा मुझे बताने में सक्षम हो जाऊँगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा भी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है सारी चीज़ को दिखाऊँगा और बताऊँगा, और आप लोगों को ड्रोन फुटेज भी लेकर दिखाऊँगा। और भैया थोड़ा सा शुरू भैया सही मिल लीजिए, थोड़ा सा आज के टूर्नामेंट के बारे में कुछ 2-4 शब्द बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। आज तो हमारे टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है, क्या होता है और आज तो हम भी थोड़ा सरप्राइज हैं, ये भव्य रूप से करना चाह रहे हैं और आज लोगों की भीड़ बताएगी। और ये वाला जो टूर्नामेंट है इस किस लेवल का है उस टूर्नामेंट को थोड़ा बता? राज्य टूर्नामेंट इंटरस्टेट टूर्नामेंट काफ़ी दूर दूर से 5 राज्यों से टीम आई हुई है, तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग। और लेडीज वाला टीम जो है वो कहाँ कहाँ की है? एक मैच होगा उनका उड़ीसा वर्सेस झारखंड। थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यहाँ का टूर्नामेंट, और आप लोग को मैं दिखाऊंगा जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। आज बोलते स्टार्टिंग, आज तो अभी मैं स्टार्टिंग प्रोग्राम जो होगा ना टूर्नामेंट का वो सारी चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा अपने ड्रोन के माध्यम से भी, क्योंकि ऊपर से हम देखना चाहेंगे तो ये सुंदरता कैसे दिखता है क्या है सारी चीज़ को देखेंगे। तो मेरे ऑर्डर देखते रहिए। ये है दोस्तों कैमरामैन जो फोटो सेशन करने के लिए स्पेशल आए हुए हैं, देखिए कैसा लग रहा है भैया अभी तो बैठा हूँ फिलहाल, कैसे लग रहा है उसका? ठीक लग रहा है क्योंकि आज पहला दिन है, स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, तो थोड़ा सा दिल में ऐसा लगता है ना कि बाहर से आने वाला है खिलाड़ी लोग आ रहे हैं, हम लोग का गांव देहात को देखेंगे, थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई अच्छा है। तो अभी कोई कितने लोग आए आप लोग? कौन कौन आए? चाचा के साथ शंभू। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भैया। बोले तो यहाँ पर कभी मुझे सारे लोग इंजॉय कर रहे वाले हैं, और उधर देखिए दर्शक बैठे हुए हैं, तो मैं दर्शकों के बीच भी जाऊंगा और उनसे भी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल टीम नहीं आया है तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जो रौनक सौनक है ना और दर्शक जब खेलते रहते हैं बोले तो दर्शक को जब मजा आता है तब खिलाड़ी लोग यहाँ खेलते रहते हैं तो उनका अनुभव ऐसा होता है कि इस टीम को सपोर्ट करेंगे इस टीम को सपोर्ट करेंगे ऐसा कुछ होता है, क्योंकि खेल का जो रंग होता है ना कौन सा टीम कैसे खेल रहा है उस चीज़ को देखते हैं, तभी जाके हमारे दर्शकों को एकदम स्पेशल हाईलाइट होते हैं और खिलाड़ी लोग को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली उसी को दिखाऊंगा दर्शकों के बीच जाके। तो बने रिपोर्ट में और देखते रहिए।
ये है दोस्तों स्पेशली बस्तर वाले टीम और पूरी तरह सब तैयार वगैरह हो गए हैं बोले तो खेल के मैदान में खेलने के लिए। देखिए और आप लोग का वो कौन है भैया? संघर्ष क्लब सुंदरगढ़। कप्तान कौन है? धनंजय। संघर्ष क्लब सुंदरगढ़ उड़ीसा टीम के कैप्टन अपनी टीम को जल्द से जल्द कप्तान है ना थोड़ा सा बाइट लेकर आवे बाइट दे दीजिए। कहाँ से हैं अभी आप? कौन सा टीम है आपका? बस्तर टीम है। आपके टीम में कितने लोग आए हैं बताइए? अपने टीम में है टोटल 17 लोग। 17 लोग आए हैं तो अभी कब आए थे क्या है उसको बताइए थोड़ा सा। लोग आए थे 14 तारीख को वहाँ से निकल गए थे तो 15 को पहुँचे। अच्छा 15 दिन से यहाँ पर स्टे कर रहे थे तो अभी आपका टीम पूरा खेलने के लिए रेडी है ना? जी पूरा रेडी है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा हाय बोल दीजिए दोस्तों। हाय बोल दो यार। हाय। थैंक यू। हाँ हाँ जरूर हाय बोल दो भाई। बहुत बढ़िया। ये दोस्तों मुझे लगता है खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अभी इस मैदान में खेलने के लिए जाएंगे। और अभी तक तो मुझे लगता है और एक टीम नहीं आ पाया है लेकिन वो जैसे ही आएगा वो आएगा वैसे ही मिलाऊंगा। ये है गोलकीपर। आपका नाम क्या भैया? सुमन। सुमन थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ खेल जो होगा उस चीज़ को मेरे दिखते रहिए। ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ की टीम और अभी खेल के मैदान में उतरने वाली है। देखिए ये बस्तर की टीम उतर चुके हैं। देखिए ये टीम है मचाने वाला है धमाका क्योंकि बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाला है। तो देखते हैं कैसे होगा क्या होगा इस मैच को देखते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ जो खिलाया जाएगा तो यहाँ पर जो एम्पायर बोले तो क्या होता है रेफरी होते हैं इन लोग से मिलाता हूँ और पर्ची भी कराता हूँ। भैया थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं नाम है रविंद्र प्रसाद रजवाड़े। कहाँ से भैया? सूरजपुर से। बाप कीजिएगा कुमार भगत जयपुर से। मायसेल्फ बी साई फ्रॉम बिलासपुर। जल्दी हमसे हो गए रेफरी वाला काम करेगा ना लेकिन अब इस गलती को सुधारना चाहेंगे। मैं रुपेश कुमार विश्रामपुर से स्टेट रेफरी। कहाँ से है? विश्रामपुर सूरजपुर जिला से स्टेट रेफरी छत्तीसगढ़। थैंक यू भैया। तो इनके द्वारा स्पेशली यहाँ पर रेफरी वाला काम किया जाएगा जो दूर वाली गोल पोस्ट पे। तो इन फिलहाल मिलाता हूँ लोगों उड़ीसा की टीम से। उड़ीसा की टीम से टीम है। ये है उड़ीसा की टीम। सुंदरगढ़ टीम मेंबर उड़ीसा के हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कप्तान कौन है? कप्तान जमीर। कप्तान नहीं नाम परिचय दे थोड़ा सा। मेरा नाम जमे उरम। कहाँ से हैं आप भैया? सुंदरगढ़ उड़ीसा। उड़ीसा तो आपका टीम में कितने मेंबर आए हैं अभी? अभी तो मेंबर लगभग टोटल मेंबर जो भी आए हैं जैसे भी आए सारे 16। अब कब तक पहुँच गए थे आप कुनकुरी? हम तो पहुँचे थे 12 बजे पहुँच गए थे। आज 12 बजे पहुँच गए थे। और आप खेलने के लिए पूरे रेडी हो गए ना? रेडी मतलब हम वेट किए थे वो बच्चे आया नहीं था इसलिए लेट हो गया थोड़ा। अच्छा मतलब कि खेलने के लिए आप रेडी हैं अभी? थैंक यू भैया। तो अभी धमाका करने वाले हैं ना? धमाका धमाका। थैंक यू भैया बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके। फिलहाल दोस्तों इस मैदान में होगा अभी उड़ीसा वर्सेज छत्तीसगढ़ का मैच। तो अभी देखते हैं कौन सा मैच धमाकेदार होने वाला है। मेरे भी नंबर देखते रहिए। यह है दोस्तों उड़ीसा की टीम के गोलकी। अपना नाम परिचय दे दिया। थैंक यू भैया। मुझे लगता है दोस्तों कुछ कर रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज। देखिए सब कोई सेम सेम कर रहे हैं। देखिए ये लोग टोटली सब चीज़ को एक साथ कर रहे हैं। दौड़ धूप कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी चीज़ को कर रहे हैं एक साथ। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है अभी तक देखने के लिए मुझे। और देखते हैं उड़ीसा की टीम क्या करती है। अभी उतरी नहीं है टीम यहाँ पर खेल के मैदान में। और वहाँ पर देखिए तीन लोग जा रहे हैं वो हैं रेफरी पैनल। तो फिलहाल बने रही वीडियो में और देखते रहिए क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो स्पेशली बने रही वीडियो में और देखते रहिए। KKFT ऐसे लिखा हुआ था उसका फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा इन भैया के माध्यम से। तो फिलहाल बता दीजिए भैया। KK का मतलब होता है कुनकुरी नकार फुटबॉल प्रतियोगिता 2022। थैंक यू भैया। ये पीला जर्सी वाला है दोस्तों स्पेशली उड़ीसा की टीम। देखिए संघर्ष क्लब सुंदरगढ़ की टीम उड़ीसा वर्सेस आज है छत्तीसगढ़। तो फिलहाल देखते हैं कौन सा टीम आज आज के विजेता होते हैं। अनिल भैया स्पेशलिस्ट चाय की सर्विस देते हुए।
उड़ीसा की टीम भी दोस्तों देखिए हमारे समिति के एक जैसा वर्क कर रही है, जैसे कि उस टीम का एक्सरसाइज करने का सिचुएशन था वैसे सिचुएशन मुझे लगता है इस टीम का भी है। देखिए आगे पीछे दाएं बाएं जो भी हो रहा है सारा चीज हो रहा है और कर रहे हैं, जो हमारे अपने शरीर को फ्री कर रहे हैं मुझे लगता है। तो फिलहाल बने रहिए मार देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है उड़ीसा की टीम और अभी एक्सरसाइज करते हुए, और मुझे लगता है वो पीछे में जो टीम है वाइट कलर का ड्रेस जो पहना है वो है बस्तर की टीम, और वो मुझे लगता है फाइनली एक्सरसाइज वगैरह कर लिए हैं और अभी कर रहे हैं उड़ीसा का टीम एक्सरसाइज। स्वागत करते हुए दोस्तों अपना घर है, तो स्पेशली बहुत दोस्त लोग मिल रहे हैं, तो स्पेशली तबरे पैसे मिला और अशोक भाई से मिला था, जबकि यहाँ पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं मजा लेने आए हैं। फिलहाल बड़े रिप्टी में और जीत रही है। फिलहाल दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे अतिथि, क्योंकि स्वागत करके ला रहे हैं वहाँ से, बोले तो कन्या सर के पास से वहाँ से दिखा रहे हैं, और यहाँ पास पहुँच चुके हैं फाइनली हमारे अतिथि। दोस्तों यहाँ पर जो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, ऑडियो सिस्टम लगा और देख रेख करेंगे, परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम सर, आज का मैच आप सिस्टम लगाना उड़ीसा वर्सेस आपका ही सिस्टम लगाना पूरा छत्तीसगढ़, इन दोनों के बीच होना है। मैं आगे आ रहा हूं टीम मैनेजर से, अपनी हारे को जिक्र कर रहा हूं आपको। अभी दोस्तों स्पेशली मुझे लगता है दीप प्रज्वलन हो रहा है, इसकी छोटी कथा आप लोग को हमको मालूम होता तो हम ही बन जाते। ये भाई है डबरू भाई, चढ़ो ना ऊपर, चढ़ो ऊपर उड़ जाएगा, हवा उड़ जाएगा, जलेगा नहीं। ट्राइबल एंड रूरल ऑर्गेनाइजेशन की जशपुर की इकाई 2002 से सक्रिय है, और माध्यम खेल को उपस्थित है हमारे जितने रेफरी वहाँ उपस्थित है, सभी से मुलाकात करते हुए उनके उत्साह में अंतर्राज्यीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं श्री सिराज राही जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, उपाध्यक्ष हैं श्री शिव कुमार धन जी, श्री ओम शर्मा जी, श्री इफ्तिखार हसन जी, श्री वल्लभ कुमार जी, सचिव हैं श्री प्रदीप मीर जी, श्री प्रेम शंकर यादव जी, सचिव हैं श्री किरोल रहमान जी, श्री नंद कुमार यादव जी, कोषाध्यक्ष हैं श्री महेश त्रिपाठी जी, श्री संजय पांडे जी, सह कोषाध्यक्ष हैं श्री दिलीप जैन जी, श्री एम डी इरफान खान जी। इनके अलावा सैकड़ों वॉलेंटियर और हमारा नजदीक जिला यहाँ पे फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है अभी स्टार्ट करा ले। ये देखिए ये बहुत तगड़ा, जो बस्तर और उड़ीसा का टीम है, तो कैसे लग रहा है आज हमारे कुनकुरी में ऐसे टूर्नामेंट हो रहा है, कैसे लग रहा है बताइए। सबसे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम एमडी इरफान है, के एफटी का शाह कोषाध्यक्ष हूँ। थैंक यू भैया। और काफ़ी लंबे समय से तो ऐसा मैच का टूर्नामेंट वगैरह नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था कोविड को लेकर के, लेकिन आज जो मैच हो रही है काफ़ी उत्साहवर्धक है, लोगों में बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं जैसा कि भीड़ है यहाँ पे, वो तो लग ही रहा भैया। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और आज का जो टूर्नामेंट है। मैं युवा कांग्रेस का जिला महासचिव, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और एक अवसर कहना चाहिए कि कभी ऐसे 2-3 सालों में कोरोना काल के पश्चात कभी इस तरह का मैच नहीं हो पाया था, और बहुत ही गौर की बात है कि हमें अंतर्राज्यीय मैच इस कुनकुरी के मैदान में देखने को मिल रहा था। थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है अभी यहाँ का जो
उस वहाँ पर वो तो वाइट ड्रेस जीत चुका था, तो अभी मुझे लगता है कि मैच स्टार्ट हो जाएगा फाइनली, और देखते हैं कौन सा टीम होता है विजेता। वो सारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बड़े रिपोर्टर मार देखते रहिए शासकीय फाइनली। दोस्तों मुझे लगता है फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है उड़ीसा का जो टीम है ना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो चीज़ को मैं जानता हूँ लोगों के लिए अच्छे से। तो फिलहाल बताइए भैया कैसा लग रहा है आपको मैच देख के? नहीं आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए अभी मैच देख रहे थे कैसे लग रहा है आपको? बताइए बताइए, मैं तो बोलने नहीं जानता हूँ। लीजिए बताइए बताइए कौन सा टीम को अच्छा लगा यार? एक दो शब्द तो बता दीजिए सही है। हालांकि कुछ नहीं जान रहे बताने के लिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं ही जो बोलना है बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। जो पीला कलर का जो ड्रेस पहन ना वो स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत हैवी होने वाला है बस्तर के टीम वाले से। तो देखते हैं कौन गोल कर पाती है और कौन आज की टीम बोले तो विजेता होती है, वो सारी चीज़ को देखेंगे। और मुझे लगता है इधर मैं हूँ, इधर थोड़ा सा धूप आ रहा है तो उसकी वजह से मुझे लगता नहीं अच्छे से क्लियर देख पा रहा है। उनके स्वागत के लिए मैं प्रताप सिंह जी को आग्रह करूँगा, पुष्पहार के द्वारा उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऐसे जगह पे जहाँ पे उधर धूप पड़ रहा था उसकी वजह से मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ जैसे हूँ वैसे दिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है थोड़ा सा व्हाइट कलर का जो ड्रेस पहने बस्तर का टीम है, और वो टीम मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस पे है क्योंकि वो थोड़ा सा के लिए बच जा रहा है गोल होने के लिए। और पीला टीम जो है उड़ीसा की टीम है, और मुझे लगता है ये लगभग अपना पोजीशन बनाए रखी है, देखते हैं क्या होता है। आउट हो गया, और फिलहाल जो भी गोल मारेंगे उससे मैं मिलूंगा स्पेशल और उसका नाम परिचय कराऊंगा, लेकिन जो पहले गोल मारेगा उसको देखते हैं कौन मारता है, कौन सा टीम मारता है, उड़ीसा मारता है या छत्तीसगढ़ मारता है। मैच को देख रहा हूं दोस्तों और दिखा भी रहा हूं, मेरे पीछे में देख रहा हूं कि क्राउड कैसा है, और मेरे सामने में जो कैमरा चालू किया हूं उस कैमरा में देख रहा हूं जो खेल जनपद पंचायत कुनकुरी किस लेवल का चल रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी तो काफी मजा आ रहा है, अब लोग मन के बाद क्योंकि उसी समय बता पाएंगे वो लोगों का रिएक्शन, हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कौन सा टीम अच्छा खेल रही है और कौन सा टीम थोड़ा सा वीकनेस खेल रही है। बताएंगे फिलहाल दोस्तों मैं करने वाला हूँ अभी ड्रोन शूट, क्योंकि लगभग आधा घंटा या 20 मिनट समथिंग हो गया है लेकिन अभी तक कोई सा टीम भी गोल नहीं किया है। तो मैं फिलहाल करता हूँ आप लोग के लिए ड्रोन शूट और दिखाता हूँ आप लोग को ड्रोन से कि अगर हम ऊपर से देखें तो कैसे दिख रहा होगा ऊपर से। फिलहाल बढ़ने रही वीडियो मार देते रहिए। और मैं स्पेशली आ चुका हूँ शिकार भैया के पास, और शिकार भैया मुझे स्पेशली बोले उनसे मिलाने के लिए, थोड़ा परिचय दे दो उड़िया लोग। हाँ कहाँ पढ़ती हो बताओ?
माय स्कूल नेम इज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तुलपुरी आई क्लास क्लास फोर्थ थैंक यू माय एज इज 9 थैंक यू आप बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन माय नेम इज अजय क्लास थैंक यू कौन से क्लास में आप सेकंड और कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं स्वामी आत्मानंद थैंक यू तो अभी फिलहाल फुटबॉल देखने लिए आए हैं और देखिए यहाँ पर दर्शक इतना आए हैं और मैं इन दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि आज का जो टीम है इस टीम की कौन सा टीम फिलहाल दोस्तों मैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से लोगों का रिएक्शन वाला वीडियो को स्पेशली अलग से डालने वाला हूँ तो फिलहाल इस वीडियो को अंत करता हूँ आशा करता हूँ मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप लोगों का रिएक्शन कि लोगों का रिएक्शन कैसा है खिलाड़ियों के प्रति तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में।